करेंगे अपन पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। हमें चेक करना है कि भाई अगर अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को जोड़ लें तो कनेक्ट करने के बाद जो पीएन जंक्शन बनेगा उनके पास जो पीएन जंक्शन बनेगा अपने पास वो कैसा होगा। उसके लिए क्या करा अपने कि भाई एक्चुअल में तो पहले मान लो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर का पूरा एक क्रिस्टल ले लिया अपन ने, उसको वेफर भी बोल देते हैं, और उसमें अपन ने एन टाइप वाली इम्प्योरिटी क्या कर ली, ऐड कर दी। पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसका पूरा लेकर उसमें एन टाइप की इम्प्योरिटी क्या कर दी हमने, ऐड। तो कुछ मान लो अपने पास बेसिक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया अभी कि भाई एक लेयर है अपने पास जिसका ये वाली साइड तो पी है और ये वाली साइड क्या है अपने पास एन। कल हमने देखा था पी का सिंबल होता है माइनस के ऊपर, क्या होते हैं अपने पास होल्स, नेगेटिव चार्ज है अपने पास या एटम जो है अपने पास डोनर ओ एक्सेप्टर वाले उसके ऊपर क्या होते हैं अपने पास होल्स। मैंने यहाँ पे होल्स बना दिए और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन बना दो बीच। और एन का सिंबल होता है अपने पास प्लस के ऊपर डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, तो हमने ये प्लस बना दिए अपने पास और इसके ऊपर डॉट लगा दिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से। फिर इसमें थोड़े बहुत होल्स भी होंगे तो एक दो होल कहीं पे भी बीच में बना। तो एक्चुअल में हमने क्या करा, ये एन टाइप वाला जो था अपने पास और पी टाइप वाला उनका एक बीच में एक लेयर है, इसको जंक्शन बोला अपन। ये जो दोनों का जंक्शन पॉइंट है अपने पास ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है पी वाले को और एन वाले को। अब होगा क्या, स्टार्टिंग में अगर ध्यान से देखें अपने पास तो डायरा थोड़ा नीचे से बना रहा हूँ, होगा क्या अपने पास कि यहाँ पर होल की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ये जो पार्ट है अपने पास पी वाली साइड यहाँ पे होल ज्यादा है और ये जो एन वाली साइड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अपन लिखते टाइम ऐसा लिख सकते हैं अपने पास कि व्हेन पी सेमीकंडक्टर डॉप्ड विद, अब उसको एन में कन्वर्ट करना है तो हमने लिया तो पी सेमीकंडक्टर है उसको डॉपिंग कर दिया अपने किसके साथ अपने पास डॉक्ट विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी देन वन साइड देन वन साइड बिकम्स एन टाइप। तो एक साइड जो है उसकी वो क्या बन गई अपने पास एन टाइप वाली बन गई। अपनी तो ये एक साइड पी बन गई, एक साइड क्या बन रही है हमारे पास एन। अब है क्या अपने पास कि इन पी साइड कंसंट्रेशन ऑफ होल इज लार्ज एंड इन एन साइड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। तो यहां पे तो पी में तो होल ज्यादा है और एन वाले साइड पे कौन ज्यादा है अपने पास इलेक्ट्रॉन।
अब यहां पर अगर होल ज्यादा है तो उनमें डिफ्यूजन होगा, तो क्या होता है अपने पास, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से अब डिफ्यूजन होगा। तो डिफ्यूजन कैसे होगा भाई, होल तो डिफ्यूज होंगे इधर, है ना, ये हो जाएगा अपने पास डिफ्यूजन ऑफ होल, और इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएंगे उल्टा, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होल तो जाएंगे पिधर से पी से एन की तरफ, तो अपने लिख दिया ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, चले तो अपने पास होल डिफ्यूज किधर होंगे, होल का डिफ्यूजन पी टू एन, एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज किधर डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन अपने पास एन टू पी, और इसकी वजह से क्या होगी, एक करंट फ्लो होगी, हेंस डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस किधर होगी, डिफ्यूजन करंट जिधर होल जा रहे हैं, तो देख लो हमेशा होल किधर जा रहे हैं, तो डिफ्यूजन करंट भी किधर मिलेगी अपने पास, डिफ्यूजन करंट फ्लोइंग या प्रोड्यूसेज फ्रॉम किधर से किधर जाएंगे, पी टू एन, ठीक है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन और होल कंसेंट्रेशन की वजह से मूव कर रहे हैं, तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन होल तो जा रहे हैं इधर, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर, तो इनकी वजह से एक करंट फ्लो हुई, जिस करंट का नाम क्या रखा अपन ने, डिफ्यूजन करंट। अब जैसे ही ये डिफ्यूजन होने लगा, उसके बाद प्रोसेस में क्या हो रहा है अपने पास, कि भाई जैसे ही डिफ्यूजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और होल तो मूव कर रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गया होगा, होल मान लो इधर आया होगा, तो ये प्लस और माइनस थोड़ी मूव करेंगे, ये तो है इमोबाइल, ये मूव नहीं कर सकते। तो होगा क्या, ये जो बीच वाला पार्ट था जंक्शन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां पर एक प्लस बन गया होगा, होल इधर से इधर आया, यहां पर एक माइनस बन गया होगा, तो बीच में क्या लग जाएगी, एक लेयर क्रिएट होने लगेगी प्लस माइनस। जैसे ये प्लस माइनस की लेयर यहां क्रिएट होने लगी, ये लेयर क्या करेगी, अब अपने पास खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये जो लेयर है अपने पास, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, अब ये लेयर क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी जो होगा प्लस से माइनस, मतलब इधर, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने ई लिख दो, ई आई लिख दो, ई लिख दो एक ही बार। अब होगा क्या, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला अपने पास, तो अपन क्या बोलेंगे अपने पास, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर डिफ्यूज देन दे आर लेफ्ट बिहाइंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, तो अपने पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन छोड़ते जाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है, तो क्या जाएगा, नियर जंक्शन सच अ लेयर ऑफ, या सच अ लेयर ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, और वो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगा, ये एन है और ये पी है, तो वो कर जाएगा एन टू पी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला अपन को एन टू। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, डिफ्यूजन तो हो ही रहा है, होल इधर जा ही रहे होंगे, इधर ये भी जा रहे होंगे अपने पास, यहाँ ना डिफ्यूजन जो हो रहा है ना, वो मेजर चार्जेस का हो रहा है ना, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी टू ई हो रहा है ना, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, इसलिए बताऊ यहाँ पे मेजर वाले चार्ज, मेजर इलेक्ट्रिक होल्स, और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, मेजर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना,
तो मेजर चार्जेस कौन है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे होल ज्यादा है तो मेजर चार्जेस कौन है? होल। तो होल जा रहे हैं पी टू एन पहले, और इलेक्ट्रॉन जा रहे थे एन से पी, उनकी वजह से बीच में क्या बन गई? एक ये जो लेयर बनी, इसका खुद का क्या है अपने पास? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो लेयर बनती है इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे अपने पास? कि दिस लेयर इज कॉल्ड, इसको क्या नाम दिया अपन ने? डिप्लीशन लेयर। अब ये जो डिप्लीशन लेयर बनी अपने पास, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अब उल्टा फोर्स लगाएगा। कैसा फोर्स लगाएगा? उल्टा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब चार्जेस पर फोर्स लगते हैं उनको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। कल तो पढ़ा था, क्या बोलते हैं इसको अपन? ड्रिफ्ट। तो अब क्या करेगा अपने पास? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनर चार्जेस, माइनर चार्जेस कौन? यहां पे माइनर चार्जेस कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो माइनर चार्जेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी साइड मूविंग, इधर मूव करेगा वो टूवर्ड्स एन साइड, एंड माइनर चार्जेस होल्स फ्रॉम एन साइड मूविंग, इधर मूव करेगा वो टूवर्ड्स पी साइड। ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है अपने पास कि जो इलेक्ट्रॉन पी साइड में थे माइनर वाले वो तो जाएंगे एन की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन थे अपने पास, ठीक है ना, सॉरी होल्स थे एन साइड में, वो किधर आ जाएंगे अपने पास? पी की तरफ। फिर उनकी वजह से फिर एक करंट फ्लो, ये जो मूव कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना अपने पास, क्या करेंगे? दे प्रोड्यूसेस ड्रिफ्ट करंट। कौन सी करंट प्रोड्यूस करेंगे? और ये जो ड्रिफ्ट करंट हमें मिलेगी, ये मिलेगी डिफ्यूजन के अपोजिट। देख लो, मैंने अभी जस्ट कहा होल को देख लो, हमेशा होल किधर जा रहे हैं? माइनर चार्जेस जो है एन साइड से किधर जा रहे हैं वो? तो होल जा रहे हैं एन टू पी। तो जो ड्रिफ्ट करंट मिलेगी अपन को, प्रोड्यूसेस ड्रिफ्ट करंट, और क्या जाएगा? फ्रॉम किधर से किधर जाएगी अपने पास? एन टू पी। अब ध्यान से देखो, ड्रिफ्ट करंट तो मिलती है अपन को एन टू पी, और फिर डिफ्यूजन करंट जो है अपने पास कहाँ था? तेरा डिफ्यूजन करंट जो है अपने पास वो किधर मिलती है हमें? पी टू एन। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो होगा क्या अपने पास कि जैसे जैसे ये लेयर बढ़ती जाएगी ना, ड्रिफ्ट करंट भी बढ़ती जाएगी। कुछ देर बाद ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के क्या हो जाएगी? बराबर है ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो होगा क्या अपने पास कि एज डिफ्यूजन कंटिन्यूअस देन डिप्लीशन लेयर इंक्रीज एंड इससे क्या होगा अपने पास? ड्रिफ्ट करंट ऑल्सो इंक्रीज। तो ड्रिफ्ट करंट भी क्या होती जाएगी अपने पास? बढ़ती जाएगी अपने पास। फिर क्या जाएगा? आफ्टर सम टाइम ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट। थोड़ी देर बाद ड्रिफ्ट करंट जो है वो डिफ्यूजन करंट के क्या हो जाएगी? इक्वल। अगर ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट के इक्वल हो गई तो उस केस में क्या होगा अपने पास? अब इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, है ना। क्या हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम ड्रिफ्ट करंट इज इक्वल टू डिफ्यूजन करंट, हेंस जंक्शन इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एन साइड। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? ये एक जंक्शन बन गया, और इस जंक्शन जो है अपने पास को लेयर बोला ना अपने, क्या नाम दिया था? डिप्लीशन लेयर। क्या
क्या करेगा अपने पास, हेंस जंक्शन इज फाउंड बिटवीन पी एंड एंड साइड विच प्रिवेंट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। तो वो इलेक्ट्रॉन और होल को मूव करने नहीं देगा अपने। तो ये जो है ना डिप, ये एक बैरियर की तरह वर्क कर रहा है। किसकी तरह वर्क कर रहा है? तो क्या करा अपने पास कि द पोटेंशियल, यहां से लिख देते हैं, द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन विच प्रीवेलेंट द इलेक्ट्रॉन एंड होल टू क्रॉस द जंक्शन, जो जंक्शन को क्रॉस करने, टू क्रॉस द जंक्शन, ये जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहे, इज कॉल्ड, इसको अपन ने क्या नाम दिया अपने पास, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। तो क्या कर रहा है अपने पास, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास और होल है, ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे है। कर दिया, जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे अगर अपने पास, तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक पोटेंशियल का बैरियर आ गया। उसको क्या नाम दे दिया अपन ने, वी नॉट। और जो लेयर बनी, इस लेयर का नाम क्या दिया था अपन ने, डिप्लीशन लेयर। तो ये जो पूरा बना ना ये डिवाइस ऐसा, इसी को क्या बोलते हैं अपन, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। बाद में इसी का नाम क्या रख दिया अपन ने, डायोड बोल दिया। तो हमने पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब डायोड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये पार्ट पूरा समझाया, ठीक है। अब ये जो डिवाइस बन गया, अब ध्यान क्या क्या रखना है भाई इसमें, इसमें अपन को ध्यान रखना है कि भाई ये साइड कौन सी है, पी, ये वाली साइड कौन सी है, एन, ये पी साइड है और एन साइड है, और बीच में क्या बन गई है, लेयर। ये जो लेयर बनी है अपने पास, इसमें ऐसे मानो सिर्फ एटम है, एटम का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ क्या है इसमें अपने पास, होल्स। तब तो इसको यहां से ऐसे शो कर रखा है ना अपन ने, कमी नहीं है ये कि इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ क्या है अपने पास, होल्स है ना। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल एक्चुअल में अभी दिख रहा है ना, फ्री नहीं है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन और होल फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि इन डिप्लीशन लेयर, जो डिप्लीशन लेयर है अपने पास, उसमें क्या है अपने पास, नो इलेक्ट्रॉन्स या नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर प्रेजेंट, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन और होल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये जो है अपने पास, तो वो अगर अपन ये बात करें कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन और होल प्रेजेंट नहीं है अपने पास, ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन होल नहीं है, इसका मतलब कोई कंडक्टिविटी यहाँ पे भी शो नहीं हो रही। होगी कब, जब इलेक्ट्रॉन और होल इसको क्या कर जाएंगे अपने पास, मूव कर जाएंगे, इसमें से अगर पास कर गए तभी ये कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो, ठीक है ना। तो वो चेक करेंगे भाई कैसे कंडक्टिविटी शो करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो है ना, इसी को हमने क्या नाम दे दिया फिर, डायोड, इसी को डायोड बोल देते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है अपना, सेमीकंडक्टर डायोड, वो यही होता है, अलग से कोई नहीं अपने पास, यही है। बस क्या करते हैं, इसमें कनेक्शन करवाना है ना सर्किट में, तो यहां पर क्या करते हैं, मेटल का वो लगा देते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट, दोनों साइड किसका कॉन्टैक्ट लगा देंगे, ताकि हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। ताकि हम इसको किसमें कनेक्ट करते हैं अपने पास, एक्सटर्नल सर्किट, तो एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर पाए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं अपने पास, फिर दोनों साइड मेटल का कॉन्टैक्ट लगा देते। सिंबल कैसा होता है भाई इसका, तो इसका सिंबल कुछ ऐसा है, तो एक तो ये वाला पार्ट है और एक यहाँ सीधी लाइन खींची है। ये वाला जो पार्ट है ये पी की तरह लग रहा है ना कुछ, ये वाला जो साइड है ये तो पी साइड है, और ये जो डंडा दिख रहा है ना ये एन है। तो ये क्या बन गया, ये वाली साइड किसको रिप्रेजेंट करेगी, पी को, ये सिंबल फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन, ये ध्यान रखना, ठीक है। अरे रख दे रख दे, क्या करे जा रहा था।
बाद में कर लेना ना, दिन भर बहुत बिजी होगा, पढ़ाई पे ध्यान देना यहाँ तो पहले। तो क्या आपने भाई ये सेमीकंडक्टर डायोड का क्या हो गया, सिंपल। अब अपने ये जो डायोड बन गया, इस डायोड को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना, इसको देखना है। तो डायोड को जब अपन सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसमें दो तरीके के कनेक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि हो सकता है मैंने पी वाली साइड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया हो, या मैंने एन वाली साइड जो अपने पास या पी वाली साइड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया हो। तो कनेक्शन जो है वो तो बदल गया ना, पी को अगर मैंने पॉजिटिव से जोड़ दिया अगर अपने पास, तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। पी साइड को अगर मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो दोनों के लिए कनेक्शन जो है अपने पास, उसको बताने के लिए फिर दो तरीके की कनेक्शन हो इसमें। पहला जो कनेक्शन का नाम है अपने पास पास, वो होता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है अपने पास, देखो शॉर्ट में जैसे लिखते हैं कि पहला, या ऐसे लिखते हैं कि अगर मेरे पास जो पी साइड है उसको तो कनेक्ट कर दिया अपन ने हाई पोटेंशियल पे। हाई पोटेंशियल का मतलब क्या लिख सकते हैं अपन, पॉजिटिव। और एन साइड जो है अपने पास उसको कनेक्ट कर दिया अपन ने लो पोटेंशियल पे। लो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया अपना, नेगेटिव। तो हाई पोटेंशियल को नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और लो पोटेंशियल क्या बोल रहे हैं अपन, तो वेन द पी साइड कनेक्टेड विद पॉजिटिव, एन साइड कनेक्टेड विद नेगेटिव, देन द बायस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस। तो करते हैं और क्या होता है इसको समझते हैं फिर। तो हमने क्या लिया, वापिस वही एक पी एन जंक्शन का ये डायग्राम बना दिया। बीच में क्या बन रही है, एक लेयर, इसको डिप्लीशन लेयर नाम दिया। डिप्लीशन में ये पी साइड है और ये एन साइड है, इसका एक बैरियर वोल्टेज है जिसका नाम क्या रखा था अपन ने, वी नॉट। पी साइड का सिंबल होता है माइनस, के ऊपर क्या होते हैं होल। एन साइड का सिंबल क्या होता है, प्लस, के ऊपर क्या होते हैं डॉट। मैं बोलूं पी साइड में मेजर चार्जेस कौन है, पी साइड में मेजर चार्जेस कौन है, होल्स, ठीक है ना, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन भी हो गए, दो इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। एन साइड में मेजर चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन, पर थोड़े बहुत होल्स भी होंगे तो मैंने एक दो होल भी बना दिए। अब क्या करा अपन ने कि पी साइड जो है उसको तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव से, और यहाँ पे चाहे एक सेल भी लगा दो। सेल लगाने के बाद यहाँ पे एक हमने मीटर लगा दिया जो करंट को मेजर कर लेगा, ठीक है। अब जैसे ये प्लस आया तो ऑब्वियसली बात है ये भी प्लस बन गया होगा और ये माइनस। मान लो बैटरी का वोल्टेज कितना है, वी। तो हमने क्या करा, जैसे ही बैटरी अप्लाई करी तो बैटरी अप्लाई करते क्या होगा, ये जो बैटरी है ना ये बैरियर का अपोज करती है। तो क्या लिखेंगे अपन कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज इज अपोजिट टू, किसके अपोजिट है अपने पास, पोटेंशियल बैरियर। जो हमारा पोटेंशियल बैरियर था वो उसके क्या है अपने पास, अपोजिट। वी नॉट के जस्ट क्या है, अब ये इसके अपोजिट है, मतलब इसका अपोज कर रहा है। अपोज करेगा तो होगा क्या, कि जो बैरियर वोल्टेज है वो पहले से डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या हो गया, जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजिट टू द पोटेंशियल बैरियर, देन इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज इज डिक्रीज। तो इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, वी नॉट माइनस वी। पहले कितना था बैरियर वोल्टेज, वी नॉट, हमने और कितना लगाया, और वी लगाया, जो वी जो है अपने पास वो वी नॉट के कैसा है, अपोजिट, इसलिए नेट बैरियर वोल्टेज कितना हो गया, वी नॉट माइनस। अब बैरियर अगर डिक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, विड्थ ऑफ लेयर या डिप्लीशन लेयर, ये जो बीच वाली लेयर है ना, ये वाली, इस लेयर की विड्थ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ये भी डिक्रीज हो गई, जिससे क्या होगा अपने पास, लेयर डिक्रीज हो गई अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन
जंक्शन का जो रेजिस्टेंस है अपने पास वो भी पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसमें सब चीजें डिक्रीज 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 हो जाएगी, कि जैसे ही किसी डायोड को आप फॉरवर्ड बायस में लगाओगे तो बैरियर वोल्टेज भी घटेगा, ठीक है ना, विड्थ भी घटेगी और रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब होगा क्या, घटते तो जा रहे ही है पर साथ साथ हो क्या रहा अपने पास, ये जो होल है पॉजिटिव है ना, ये प्लस इन होल्स पर फोर्स लगा रहा है इधर जाने के लिए, और ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, तो ये इन नेगेटिव पर या इलेक्ट्रॉन्स पर इधर फोर्स लगा रहा है मोशन के लिए। मतलब ये जो हमने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, ये क्या चाह रहा है कि ये मेजर होल्स और ये मेजर इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्या कर जाएं, क्रॉस, और जंक्शन को क्रॉस करके क्या फ्लो कर दें, करंट। पर पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये बैरियर करने नहीं दे रहा, ये बैरियर इनको रोका हुआ था। अब तो हमने कौन लगा दिया, और ये बैटरी लगाई है तो इसके क्या है, अपोजिट। तो ये तो चाहता है कि करंट फ्लो हो जाए, पर वी नोट चाहता है करंट फ्लो, तो वी नोट का तो अपोज ही कर रहा है ना, लिखा भी हमने पहली लाइन में अपोज करता है अपने। तो अगर मान लो इसकी वैल्यू होती 10 वोल्ट, कितनी बोली, तो क्या मैं यहाँ पे 5 वोल्ट देता तो करंट फ्लो हो जाती क्या, नहीं 8 वोल्ट देता तो हो जाती क्या, नहीं होती। कब होने लग जाएगी करंट फ्लो, 10 से ज्यादा दूंगा जो। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी ग्रेटर देन वी नॉट हो जाए अगर अपने पास, तो क्या होगा, देन मेजर चार्जेस। अब मेजर चार्जेस कौन है अपने पास, होल फ्रॉम पी साइड, और किधर जाएगा अपने पास, डिफ्यूज, किधर हो जाएगा डिफ्यूज फ्रॉम इन क्या लिखा हमने, देन मेजर चार्जेस होल फ्रॉम पी साइड डिफ्यूज टुवर्ड्स एन साइड, एंड मेजर चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज, किधर डिफ्यूज हो जाएंगे अपने पास, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखना मुझे, फ्रॉम एन साइड डिफ्यूज टुवर्ड्स पी साइड। तो वो एन साइड से कहाँ जा रहे हैं, पी साइड, मतलब क्या है, होल तो इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे। जैसे ही होल इधर गया और इलेक्ट्रॉन इधर आए, इनकी वजह से क्या फ्लो हुई है, करंट। उसको क्या बोलेंगे अपन, हैंस फॉरवर्ड करंट, कौन सी करंट मिली अपन को, इस फ्लोइंग कहां से कहां जाती है करंट, होल को देख लो, होल के तो कौन किधर जा रहा है, पी टू, तो फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन में कितना जाएगी, फॉरवर्ड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू एंड। अभी जो करंट मिलती है ना अपन को, ये करंट मिलती है मिली एम्पियर ऑर्डर की, जो फॉरवर्ड करंट है अपना, फॉरवर्ड करंट इसका ऑर्डर कितना होता है, 10^-3 एम्पियर या मिली एम्पियर ऑर्डर। जैसे 10 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, तो मिलेगी किसमें पर, मिली एम्पियर। तो ये फॉरवर्ड करंट की बात हुई अपने पास, तो वापिस लो जल्दी से, हुआ क्या अपने पास कि जब मैं पी साइड को पॉजिटिव से और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट कर देता हूँ, तो इस बायस को क्या बोलते हैं अपन, फॉरवर्ड बायस। व्हेन द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सब चीजें घट जाएगी, ठीक ना, ये जो आपके पास है डिप्लीशन लेयर, इसकी विड्थ भी घटेगी, पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी घटेगी, यहाँ का रेजिस्टेंस भी घटेगा, ठीक। फिर होगा क्या कि जब आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया और वो वोल्टेज वी जो है वो वी नोट से ज्यादा होगा, तो मेजर चार्जेस पी साइड के होल तो किधर जाएंगे, एन साइड, और मेजर चार्जेस इलेक्ट्रॉन एन से कहाँ आएंगे, पी साइड, जिसकी वजह से क्या फ्लो होगी, एक करंट, जिस करंट का नाम क्या रखा अपन ने, फॉरवर्ड करंट। तो ये फॉरवर्ड करंट मिल गया अपन, और ये जो फॉरवर्ड करंट मिलती है ये मिलती है मिली एम्पियर में, ये फॉरवर्ड बायस का बात हुआ। फॉरवर्ड बायस के बाद नेक्स्ट है सेकंड अपना, वो है रिवर्स बायस, रिवर्स या इसको बैकवर्ड भी बोल देते हैं। अब रिवर्स या बैकवर्ड बायस में क्या होता है अपने पास, कि कनेक्शन अब उल्टा कर दो, अब क्या करेंगे, पी साइड जो है वो तो किससे कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल का मतलब नेगेटिव, और एन साइड किससे कनेक्टेड है अपने पास, हाई पोटेंशियल,
हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, तो कनेक्शन जस्ट इसका उल्टा। अब जैसे उल्टा हो गया ना, तो इससे मान लो हर चीज पहले कम थी ना, अब बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो बनाते टाइम भी थोड़ी बड़ाई बनाओ। मैंने यहाँ पे विड्थ कैसी बनाई, पहले से ही पतली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विड्थ पहले से क्या बना दो, मोटी बना दो पहले। प्लस के ऊपर डॉट इलेक्ट्रॉन, तो हमने क्या करा, ये पी साइड थी और हमारी ये एन साइड थी, और ये हमारा बैरियर था, कितना था, वी नॉट। अब हमने पी साइड को तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से, और एन साइड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के पॉजिटिव से, और एक हमने एमिटर लगा दिया जो करंट को क्या करेगा मेजर। या मैंने अब एम ए लिख दिया, क्योंकि मेरे को पता लग गया था ना कि भाई करंट जो मिलती है मिली एम्पियर में मिलती है, तो हमने मिली एमीटर लगा रखा है, तो ये तो बायस कर दिया अपन ने। अब जैसे ही वोल्टेज अप्लाई कर दिया अपन ने इस पर, तो अब हर चीज पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा कि व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, तो क्या क्या बढ़ेगा अपने पास, पोटेंशियल बैरियर, ये भी पहले से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर भी पहले से इंक्रीज हो गया। मान लो अगर इसका वोल्टेज वी है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, तो बैरियर वोल्टेज हो गया वी नॉट प्लस वी। विड्थ जो है अपने पास, विड्थ ऑफ लेयर, वो भी क्या हो जाएगी अपनी, इंक्रीज। और रेजिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पर अब ध्यान से अगर देखें, तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ क्या बन गया। अब मेजर चार्जेस की अगर बात करूं, मेजर चार्जेस कौन है, पी साइड में, पी साइड में मेजर चार्जेस कौन है, होल्स, तो होल्स तो जाएंगे, ये माइनस बन गया ये प्लस बन गया ना, तो होल पॉजिटिव है ना, वो तो जाएगा इधर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो जाएगा इधर, मतलब दोनों जंक्शन से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि मेजर चार्जेस आर मूविंग अवे फ्रॉम जंक्शन, जंक्शन से दोनों कहां जा रहे हैं अपने पास, दूर, सो दे नॉट प्रोड्यूस एनी करंट, तो इनकी वजह से हमें कोई करंट भी नहीं मिलेगी। इसका तो मतलब क्या है कि जो मेजर चार्जेस हैं वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करते, माइनर में तो कर रहे थे, उसमें फॉरवर्ड बायस में तो कर रहे थे वो, पर रिवर्स बायस में मेजर चार्जेस की वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। पर इसके बाद क्या होगा अपने पास, कि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो अब क्या कर रहे हैं अपन, जैसे अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा अपने पास, एट हाई रिवर्स वोल्टेज सम माइनर चार्जेस, कुछ माइनर चार्जेस जो है अपने पास, वो जंक्शन को क्या कर जाएंगे, क्रॉस, सम माइनर चार्जेस क्रॉस द जंक्शन, कुछ माइनर चार्जेस जंक्शन को क्या कर जाएंगे अपने पास, क्रॉस, और उसकी वजह से क्या फ्लो होगी अपने पास, करंट, एंड रिवर्स करंट प्रोड्यूस। तो रिवर्स करंट जो प्रोड्यूस हुई वो किसकी वजह से हुई, माइनर चार्जेस की वजह से, ठीक है ना। अभी जो माइनर चार्जेस है अपने पास, ये तो बहुत कम है, यहाँ जैसे यहाँ दो तीन बना, यहाँ ऐसे पूरे मटेरियल में और कम होंगे, तो ये जो माइनर चार्जेस करंट फ्लो कर रहे हैं अपने पास,
ये बहुत कम है। तो ये कम होने की वजह से क्या हो रहा है, अपने पास करंट भी बहुत कम मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या लिखा अपन ने, एट हाई रिवर्स वोल्टेज माइनर चार्जेस जो है उनकी वजह से जो करंट फ्लो प्रोड्यूस हो रही है, रिवर्स करंट इसमें लेता हूं, एंड इट इज वेरी स्मॉल करंट ऑफ ऑर्डर, इसका ऑर्डर होता है माइक्रो एम्पियर में। किस ऑर्डर की करंट मिलेगी है, तो माइक्रो एम्पियर कोई खास करंट नहीं है, बहुत छोटी सी करंट है, नेगलिजिबल। अब अपन तो चाहते हैं और वोल्टेज बढ़ाओ तो करंट बढ़ जाएगी, तो अपन क्या करते हैं, एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज मोर बट क्या आपके पास रिवर्स करंट गेट सेचुरेशन वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओगे तो जल्दी से सेचुरेशन आ जाता है, तो थोड़ी सी करंट बढ़ेगी, लगभग लगभग कॉन्स्टेंट ही रहेगी माइक्रो एम्पियर में। पर अपना तो दिल अभी भी नहीं माना, अब तो कहता और बढ़ाओ जरा, बढ़ाते जाओ आपको। फिर क्या हो जाएगा, एज रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज टू